मैम, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज ना मैंने सोचा कि आज बहुत ठंड थी तो मेरा ना अपने सेक्टर से बाहर जाने का मन नहीं था, और काफ़ी लोगों को पता है कि कौन से सेक्टर में मैं रहती हूँ। सो आज हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 37 सी की एक बहुत ही पुरानी शॉप जिसका नाम है मयूर हॉट एंड स्पाइस। तो आज ना मेरा मतलब ऐसे कुछ स्नैक्स टाइप खाने का मन था, विच इज़ काइंड ऑफ नॉन वेज। तो इस मार्केट में वैसे ना काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं नॉन वेज की, और यहाँ पे एक मोमो की नई नई दुकान खुली है जिसमें बहुत भीड़ है, बट उसके मोमोज खाने का मेरा मूड नहीं था आज, क्योंकि वो उनका ना टेस्ट एवरेज ही है, मैंने पहले खा के देखे हुए हैं। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज। सो हमने अभी यहाँ पे ऑर्डर किया है चिकन लेग्स चेस्ट। सो ये जो शॉप है ये मतलब 50-60 साल पुरानी शॉप है, तो मेरे को पता है इसकी बैक साइड पे ना हमारी ट्यूशन होती थी इकोनॉमिक्स सॉरी अकाउंट्स की, हरीश सर पढ़ाते थे हमें। तो वहाँ से जब शाम को फ्री होते थे तो कुछ फ्रेंड्स हम लोग ना, कुछ लोग तो थे वेजिटेरियन, तो वो लोग जाते थे गुरु नानक स्वीट्स में, और हम जैसे नॉन वेजिटेरियन यहाँ आके चिकन खाया करते थे, विच वॉज़ वेरी वेरी यम्मी। तो आज भी क्या वो टेस्ट है कि नहीं है वो मैं ट्राई करने वाली हूँ, तो चलो आज चलते हैं। तो गाइज हम लोगों का जो प्लेटर है वो तैयार हो चुका है। तो ये रहे हमारे चेस्ट, तंदूरी चेस्ट, और ये हमारी तंदूरी लेग्स। सो लेट्स ट्राई इट आउट। सो गाइज मेरे पास आ चुका है मेरा प्लेटर जो मैंने ऑर्डर किए थे, तंदूरी लेग्स एंड साथ में हमारी चेस्ट। सो सबसे पहले हम डालेंगे नींबू। ओहो सब जगह डाल दो। अब लेग्स की बारी। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ तंदूरी चिकन। एक तो सबसे अच्छी तरीके से ये कुक बहुत अच्छा हो चुका है, बिकॉज उन्होंने जो ये बीच में कट्स डाले हैं ना, इसकी वजह से ये अंदर से अच्छी तरीके से कुक हुआ है। दूसरी चीज़ जो स्मोकीनेस आती है ना, स्मोकीनेस का जो चारकोल का जो फ्लेवर है ना, मतलब कोयले का, वो जब ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा डार्क हो जाता है ना, वो इसको और ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट देता है। और ये जो चटनी है इनकी जिसमें इन्होंने डाला है, मूली है इसके अंदर मिर्ची है और हरी चटनी है, तो ये मिक्स करके इसके साथ खा के मतलब आपको इतना टेस्टी लगेगा ये कि मैं आपको क्या बताऊं। सो जो हल्का सा ऊपर से ना ये सॉल्ट डाल देते हैं, विच आई यूजुअली अवॉइड क्योंकि मुझे वो ज़्यादा लगता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस चटनी इज़ अ हाईलाइटर विद दिस वन, सो इट गोज़ विद लाइक 5 out of 5। इन दोनों चीज़ों ने मुझे कॉस्ट किया 260, विच इज़ आई थिंक क्वाइट रीजनेबल। सो आई एम गोइंग टू ट्राई आउट द चेस्ट नाउ। ओहो गिरा ना दूँ बस मैं, भगवान की दया से, तंदूरी चिकन चेस्ट। सो अब हम इसको ट्राई करने वाले हैं। सो आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये कुक हुई है, वो तो आप इसकी शक्ल से ही बता सकते हो। लुक एट दिस, कितने आराम से ये निकल गई है, दैट इज़ अ बिग पार्ट। और ऊपर से अगेन जो मैं आपको कह रही हूँ ना, चारकोल वाली जो लेयर बनती है वो और अलग अमेजिंग टेस्ट देती है। सो ये जो चाट मसाला उन्होंने डाला है, विच यू कैन सी लेग्स के ऊपर ये थोड़ा सा हमें नमक थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट दे सकता है, बट इसके ऊपर ये बिल्कुल बैलेंस आउट हो चुका है। तो दोनों की बात करें तो क्वांटिटी के हिसाब से 260 rupees फॉर बोथ इज़ रियली गुड, क्वालिटी इज़ रियली रियली नाइस, इट्स अमेजिंगली कुक्ड। यहाँ पे भी इन्होंने हल्के हल्के कट मारे हुए हैं जिसकी वजह से ये अंदर तक कुक हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कच्चा है, वो आप देख सकते हो कितने आराम से निकल रहा है। और चटनी के साथ 5 out of 5। सो गाइज दिस इज़ अ ह्यूज रिकमेंडेशन विंटर्स में, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और यू नो स्नैक्स के तौर पे खाना चाहते हो, चटपटा तंदूरी चिकन का मन कर रहा है, तो सेक्टर 37 सी पार्क के सामने वाली मार्केट मयूर हॉट एंड स्पाइस यहाँ ज़रूर आना। यहाँ पे सामने अगर मोमोज भी पसंद है तो मोमोज भी खा सकते हो, 50 rupees में 6 pieces दे रहे हैं वो चिकन वाले मोमोज के, सो यू कैन ट्राई इट आउट। मुझे थोड़े ठीक ठीक लगे, बट दिस इज़ सो गुड, सो डू कम एंड चेक इट आउट। और अगर पूरा वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नाउ आई एम गोइंग टू ईट एंड एंजॉय। सो गाइज इनके पास ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इनके पास फिश भी है, इनके पास चिकन भी है, इनके पास यू नो दे हैव मटन ऑल्सो, सो यू कैन ट्राई आउट एनी थिंग। क्योंकि अभी मैंने चिकन लेग्स एंड चिकन ब्रेस्ट ट्राई की है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि हमसे बात कर पाए। आ जाओ सर, आपको कितना टाइम हो गया इधर? हाँ जी मैं अपनी शॉप है। कितने साल हो गए? मैम 40-45 साल हो गए। लोगों का रिस्पांस कैसा है, मतलब कितना लोग पसंद करते हैं? 40-45 साल हो गए, बहुत बात है। रोस्टेड ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो रोस्टेड सबसे ज़्यादा पसंद है। रोस्टेड में क्या, लेग्स की चेस्ट?
मैं जैसे चिकन टिक्का हो गया लेग ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, और सर्दियों में ज़्यादा फिश रहता है कि गर्मियों में भी? सर्दियों में मैम, सर्दियों में ज़्यादा रहता है। हाँ जी, तो आपके रेट्स भी काफ़ी रीजनेबल है। हाँ, तो लाइक लोग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखते हैं ना, दोनों ही चीज़ बढ़िया है जी। मैं ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्टमक, सो दैट इज़ वाई। बट मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इनके पास से खा रही हूँ, सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। और टेस्ट तो मैंने आपको बता दिया, क्वांटिटी एंड प्राइसिंग सबके हिसाब से इट्स 5 out of 5। सो डू विजिट 37C मयूर हॉट एंड स्पाइसी। तो चलो अब आगे चलते हैं कहीं और।